राकेश भैया आपके पास जो भी केले होंगे उसे ले लीजिए। बड़ा वाला प्लांटेन वाला होगा तो सिर्फ एक केला और एक अंडा काफी है। ये येलक है, येलक होगा तो तीन येलक ले लीजिएगा। इसे अच्छा से मैश कर देना हाथों से, टुकड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें एक अंडा को तोड़ के उसे भी मिक्स करवाना चाहिए। विस्क है तो विस्क से कीजिए, अगर नहीं तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं या फोर्क से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है, काफी हुई है। अब इसमें एक अंडा तोड़ के डालेंगे। अंडे को भी बहुत अच्छी तरह से केला के साथ मिक्स करेंगे। अंडे को थोड़ा अच्छा से मिक्स करने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। जैसे हम लोग ऑमलेट बनाते समय अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, बीट करते हैं, वैसे इसे अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए। और अभी आटा डाल के हम मिक्स करेंगे। एक कप आटे के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिएगा। ज्यादा हल्का नहीं होना चाहिए, ऐसे गिरना चाहिए बस उतना। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करके सिर्फ डोसा बनाना है। बनाया हुआ है तो इसलिए मैं इसे मोटा डाल रही हूँ। अगर प्लांटेन वाला केला से डालते हैं तो पतला ही डालने पर बहुत अच्छा से आता है। हाँ राकेश भैया, ऐसे चार चार करके भी आप डाल के ले सकते हैं, लेकिन पूरा सा सिम में रखना है। देखिए स्टाफ को मैंने पूरा सिम करवा दिया है, देखिए आप, तो सिम में रख के एक तरफ 3 मिनट और दूसरे तरफ भी 3 मिनट लग जाएगा पकने के लिए। ऐसे करके दे देंगे। घी लगाना है तो घी, तेल लगाना तो तेल लगा लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है।